पाकिस्तान के अंदर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है। आज पूरा पाकिस्तान एक बंदे से नाराज है, हर बंदा उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा कह रहा है कि नहीं बाबर आजम तुमने हमारा दिल तोड़ा है, बाबर आजम इस हार के तुम जिम्मेदार हो। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों जीता हुआ मैच हारा, उसके बाद क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बात करते हैं इस मैच की। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप का बड़ा मैच था और पाकिस्तान लगभग जीत गया हुआ था। 70 बॉलों के ऊपर 100 चाहिए हो, इफ्तिकार अहमद और रिजवान खेल रहे हो, इतने अच्छे सेट होके खेल रहे हो। इफ्तिकार अहमद ने 3 छक्के मारे और रिजवान जो के 40 प्लस पे खेल रहे हो, उसके बावजूद पाकिस्तान मैच हार जाए। हमने ऐसा पहले भी देखा है, पाकिस्तान बहुत दफा कोलैप्स किया, लेकिन इतनी सीधी विकेट के ऊपर एक टीम 19 छक्के मारी और आपने सिर्फ और सिर्फ 6 छक्के मारे। इस मैच रिपोर्ट की बात करें तो मैं समझता हूं पाकिस्तान इस मैच को सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती से हारा है। पाकिस्तान ने अपनी गंदी परफॉर्मेंस से हारा है। पहले बॉलिंग पुअर की, फील्डिंग गंदी की, कैचेस छोड़े, डेविड वार्नर जैसे, बाबर कहते हैं जब आप वार्नर जैसे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे तो फिर आपको वो बताएगा, उसने बताया। वार्नर के दो दो कैचेस छोड़े, मिचेल मार्श ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद आपने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया के नो आउट किया, अच्छा कमबैक किया, लेकिन किया तो किया क्या कि अभी इतनी बोले पड़ी हुई थी, सीधा मैच था और आपके पास विकेट ही नहीं थी हाथ के अंदर। तू चल, मैं आया वाला पाकिस्तान का काम चल रहा था, ऐसी पुअर परफॉर्मेंस, मतलब कि पाकिस्तान टीम को हो तो हो क्या गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान की टीम ही है ये। टीम तो हमारी नहीं थी जो बन चुकी हुई है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग बाबर आजम को बोल रहे, देखिए बाबर आजम को ये चीज समझ नहीं आ रही, उसको कैसे समझाएं कि बाबर आजम अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है, अगर परफॉर्मेंस दिखानी तो ये स्टेज है। नीदरलैंड के अगेंस्ट आप आउट हो गए, न्यूजीलैंड कह रहा हूं, लंका के अगेंस्ट आप आउट हो गए, जहां पे आपके पास मौका था चेस करते, हाई स्कोरिंग मैच जितवाते, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट, ये सारे के सारे जो प्लेयर है बड़े मैचेस में रन करते हैं, बाबर क्यों नहीं कर रहा। फिर आप इंडिया अगेंस्ट फ्लॉप हो गए, 50 किया उसके बाद आउट होके चले गए, पूरी टीम लोड रखती उसके ऊपर। अब आज मौका था, आज तो सब कुछ हाथ में था, इससे अच्छा मौका तो बाबर को मिलना भी नहीं था। सीधी पिच, अच्छा स्टार्ट, चले पहले तो बहाना ये होता था ना कि ओपनर आते साथ आउट हो जाते तो बाबर आजम इस वजह से प्रेशर के अंदर आउट होता था। आज तो आपके ओपनर्स ने 130-140 का स्टैंड दे दिया, इतनी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी कर दी, सब कुछ सीधा था, रन अप बॉल आपने खेलना था, 6-7 के रनर से लेके चलना था, किया तो किया क्या बाबर आजम ने? क्या बाबर आजम को अंदाजा नहीं है कि उसकी विकेट की कितनी बड़ी वैल्यू है? बाबर आजम जो काम कर रहा है, बाबर आजम की जितनी फैन फॉलोइंग थी ना सारी, अभी तक 4 मैचेस के अंदर उसकी आधी रह चुकी हुई है, यकीन करें। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देखता हूं ना अपने कमेंट सेक्शन को, देखता हूं मैं अपने सोशल मीडिया पे चेक कर रहा होता हूं, हर जगह पे मैं नोट करता हूं। बाबर आजम के पास ये मौका था वर्ल्ड कप में एक बड़ा नाम बनने का, लेकिन बाबर आजम इस वर्ल्ड कप के अंदर नीचे ही जाता जा रहा है बाबर आजम का ग्राफ। इस मैच रिपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 29 रन स्कोर किए, 367 के ऊपर पाकिस्तान ने रोका। शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिलियंट बॉलिंग की, 5 विकेट्स उन्होंने निकाली। पाकिस्तान की तरफ से 2 ही बॉलर हैं जिन्होंने 2 दफा वर्ल्ड कप के अंदर 5 विकेट्स लिए हुए, एक है आपका शाहिद अफरीदी, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी, दमाद और सुसर अफरीदी लेके चल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें, हारिस रूप ने शुरू में गंदी बॉलिंग की लेकिन एंड पे बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया कैचेस छोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया तो प्रेशर के अंदर था, ऑस्ट्रेलिया ने इतने कैचेस छोड़े आपके, ऑस्ट्रेलिया को रन पड़े, अच्छा खासा स्टैंड आ गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान स्पिन खेल ही नहीं सकता, चाहे वो इंडिया के स्पिनर हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो। एडम जैम्पा कैसा पड़ा, पिछले मैच में 4 विकेट, इस मैच में 4 विकेट। एडम जैम्पा जो कि पहले 2 मैचेस में फ्लॉप जा रहा था, अगले 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीतने की वजह सबसे बड़ी एडम जैम्पा है, ऐसे ऐसे विकेट निकालता है। बाबर को आउट किया, इफ्तिकार को आउट किया, रिजवान को आउट किया, नवाज को आउट किया, ये चारों भी मैच था। बाबर साहब आउट होते हैं उसी शॉट के ऊपर जिस शॉट के ऊपर बाबर आजम हमेशा आउट हो रहा है, एक अरसा गुजर गया बाबर को इस शॉट के ऊपर आउट होते हुए। मैं पर्सनली बड़ा डिसअपॉइंट हूं बाबर आजम की परफॉर्मेंस, क्योंकि बाबर आजम एक बड़ा नाम है, अब देखना हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। और इसी के साथ साथ मैच बाबर के आउट होने से नहीं पाकिस्तान तब हारा, मैच उसके बाद भी सीधा था, सीधा तो मैच ये था, 70 बॉलों पे 100 चाहिए था, इफ्तिकार और रिजवान खेल रहे थे, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। फिर पाकिस्तान क्यों नहीं जीता? वो इस वजह से नहीं जीता कि यहाँ पे हमें जिसको कहते हैं ना कैलकुलेशन ही हमसे होती। एडम जैम्पा एक अच्छा बॉलर, उसको रिस्पेक्ट दो, इफ्तिकार अहमद को बॉल रोकना नहीं आता, बॉल किधर जा रहा है, आपकी आंखें किधर है, इससे बेहतर मार के आउट हो जाओ। रिजवान देखा, इफ्तिकार आउट हुए, रिजवान क्या शॉट खेलकर आउट हो रहा है।
रिजवान अगर खड़ा था तो पाकिस्तान के पास चांस होता। फिर नवाज पे तो मुझे इतना गुस्सा है ना, नवाज ने किया तो किया क्या, किस किस शॉट के ऊपर नवाज आउट होके गया है, ये तो परफॉर्मेंस चल रही है। अब आपके बॉलर सुनिए आपको जितवाएंगे, हसन अली आगे पीछे बायलैटरल के अंदर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, चार मैचेस हो गए, चारों मैचेस में इसकी बल्लेबाजी आई है, चारों में से किसी एक मैच में चला नहीं है बंदा, थोड़ी लंगा के खिलाफ शायद इसकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, चला ही नहीं है। ये तो हाल चल रहा है, पाकिस्तान हारा है मैच, पाकिस्तान चौथी से पांचवी की पोजीशन के ऊपर आ चुका हुआ है, पाकिस्तान का रन रेट -0.45 पे चला गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टॉप फोर के अंदर आ गया, ऑस्ट्रेलिया का टॉप फोर के अंदर जाने का जो ख्वाब है वो पूरा होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इनका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ इनका मैच है, तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना नॉट सो इजी वाला प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे तीन बड़े मैचेस अभी भी पड़े हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनसे भी हमने खेलना है। अब पाकिस्तान को पांचों के पांचों मैचेस जीतने तब जाके पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास चांस नहीं है। मस्ट विन गेम्स है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा इम्तिहान है अफगानिस्तान के खिलाफ। इसी मैच के अंदर एक वारदात भी होती है कि पाकिस्तानी फैंस ग्राउंड के अंदर होता है, पाकिस्तानी फैन उसको पाकिस्तान को चैंट करने नहीं देते, नारे लगाने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, जिसके वो बड़ा इशू बना, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई थी, जो मैं समझता हूँ कि नहीं, क्रिकेट फैंस को हक है अपनी टीम के लिए सपोर्ट करने का, तो इस चीज में गलत गलती की थी पुलिस वाले ने। खैर एक पुलिस वाला पूरे इंडियन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो खाली मैं समझता हूँ पुलिस वाले की गलती थी, जो कि आगे जाके इशू आना चाहिए, उसके ऊपर आईसीसी को कुछ करना चाहिए। इस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान का जो मोमेंटम है, जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस है, वो लो हो चुका हुआ है, और पाकिस्तान का अब कमबैक करना अगेंस्ट अफगानिस्तान नॉट सो इजी वाला प्रोग्राम है। अफगानिस्तान वो टीम है जो पाकिस्तान को हरा सकती है, अभी तक हराया नहीं है लेकिन ये हरा सकते हैं, और ये टीम खतरनाक है। अब पाकिस्तान इनके अगेंस्ट किस अप्रोच के साथ जाएगा, कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो पाकिस्तान के ऊपर रहता है। क्या पाकिस्तान तीन फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, स्पिनर के साथ जाएगा, देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को पकड़ा तो अपने फास्ट बॉलर से पकड़ा, अब देखना ये क्या करते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बाबर आजम बड़ा डिसअपॉइंटेड रहे इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होगा।